मध्य प्रदेश का अद्भुत शहर है, औद्योगिक हब है, यहाँ और उद्योग आए इसके लिए लैंड पूलिंग के आधार पर किसानों की सहमति से और जमीन की व्यवस्था की जाएगी सर, और 718 हेक्टेयर भूमि में नवीन औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। 2167 रुपए की लागत आएगी, लेकिन टारगेट हमारा 30,000 बच्चों को और हम रोजगार दे पाए, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत देवास का आलू, जो सर्वश्रेष्ठ आलू है, उसका एक विशेष क्लस्टर यहाँ विकसित किया जाएगा। 390 करोड़ रुपए की लागत से मिनी सुपर कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके दोनों तरफ व्यवसायिक गतिविधियाँ देकर लोगों को रोजगार के काम से भी लगाया जाएगा। 240 करोड़ रुपए की लागत से एवी रोड का भी कायाकल्प होगा, चौड़ीकरण के साथ साथ फ्लाईओवर जैसी सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। 63 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, नवीन कलेक्टर भवन, मीठा तालाब, भगवती सराय, इन सब का विकास किया जाएगा। माता टेकरी का भी मास्टर प्लान बना है, उसको समय सीमा में हम क्रियान्वित करेंगे। शंकरवर पहाड़ी के संपूर्ण क्षेत्र को एडवेंचर स्पोर्ट्स और सिटी फॉरेस्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। हम ये संभावनाएं भी तलाश रहे हैं कि क्या फिल्म की शूटिंग और फिल्म बनाने का काम भी यहाँ किया जा सकता है। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र की ग्रीन रिक्त भूमि पर पार्क और खेल सुविधाओं का विकास करने का भी फैसला किया है। देवास को हर दृष्टि से, अब नर्मदा जी का पानी बहुत जल्दी दोनों अभी एक दिन छोड़ कर मिलता है, रोज मिलेगा, और हमने गांव और बाकी नगर पंचायतों का भी मास्टर प्लान बनाने का फैसला किया है, ताकि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर देवास हम बना सकें। सर, बैठक में बड़ा बयान आपका आया था, शहरों की तर्ज पर गांवों का विकास किया जाएगा, बुनियादी शहरी सुविधाएं गाँव को हमको देनी चाहिए, जो बुनियादी सुविधाएं सड़क, पक्का मकान, पीने का पानी, ठीक कनेक्टिविटी, उन सब की व्यवस्था गांव में करनी है, इसलिए उसका भी मास्टर बताया जा रहा है। किसान आंदोलन आज समाप्त हो गया सर, अभी बड़ी खबर आ रही है। चलिए, बहुत अच्छी खबर है।